हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप लोग का स्वागत है AMU स्टूडियोज के इस एपिसोड में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है। ये एक डंडा है जिसको हम लोग फावड़े का हत्ता भी बोलते हैं, जिससे डिगिंग की जाती है, यानी कि मिट्टी खोदी जाती है। और मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने क्यों आज मैं पकड़ा हुआ हूँ और इसके बारे में आज क्यों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली इस डंडे के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एक मशाल बनानी हो, लाइटिंग टॉर्च, तो वो आप कैसे बनाएंगे। यानी कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक शूट पे गया था, वहाँ पे हम लोग को एक मशाल बनानी थी और वहाँ पे हम लोगों ने मशाल कुछ गलत तरीके से बनाई थी जो कि जल नहीं पाई थी, फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। तो ये जो एपिसोड है ये आज इसी के ऊपर है कि एक मशाल कैसे बनाए ताकि आप लोग शूटिंग में उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। आपने देखा होगा अक्सर शूटिंग में लोग जब ट्रेजर हंट का कोई सीन होता है तो वहाँ पे मशाल लेके जाते हैं, या जंगल का कोई शॉट होता है तो मशाल लेके जाते हैं, सुरंग के अंदर जा रहे हों तो मशाल लेके जाते हैं। तो वो मशाल फिल्म में वो मशाल कैसे बनती है और किस तरीके से बनती है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊं। एक फावड़े का हत्ते आपको ज़रूरत होगी, हत्ता, और ये मोज़ा है, मेरा पुराना मोज़ा है, सॉक्स, आज मैं इसको अलविदा कह दूँ, रेस्ट इन पीस मेरे मोज़े। और ये दो हैं, बेसिकली दो चढ़ाए जाते हैं। ये एल्कोहल है, मिथेनॉल जिसको कहते हैं। एक स्प्रे बॉटल की आपको ज़रूरत होगी, एक आपको लाइटर की ज़रूरत होगी, और कुछ आपको जो ज़रूरत होगी वो तार की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मशाल ये कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये सॉक्स है इसको आप इस हत्ते के ऊपर चढ़ा लीजिए, इस तरफ से, जिस तरफ से इजीली ये चला जाए। आपने ये चढ़ाया और दूसरा भी आप इसी तरीके से आप इसको चढ़ा लीजिए। डंडा आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर, वो लकड़ी मायने नहीं रखती है क्योंकि मशाल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जलेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी एक शूट किया था तो वहाँ पे हम लोग कुछ गलत सामान ले गए थे जिसकी वजह से वो शॉट हमको हटाना पड़ा अपने फिल्म में से। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जो हम लोगों ने शूट किया था वो बाद में कैसा है। और इसको थोड़ा सा ऊपर आप राउंड कर लीजिए ताकि ये इसका हत्ता मोटा हो जाए। फिर इसके बाद इससे निकाल लीजिए आप और दूसरी तरफ, जिस तरफ ये खुरदुरा है ताकि स्लिप ना हो, यहाँ पर आप इसको पहना दीजिए। इस चीज़ को थोड़ी सी दिक्कत होगी और बी केयरफुल, हाथ वाथ बचा के अपना आप लोग बिल्कुल इसको यूज़ करिएगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, मैं सिर्फ ऑडियो से ही रिलेटेड चीज़ें नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, और भी फिल्म में प्रॉप्स कैसे यूज़ होते हैं फिल्म में और कैसी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आपने चढ़ा लिया, फिर इसके बाद आप इसको तार से बांध दीजिए। तार से बांधना क्यों ज़रूरी होता है और जितने मुझे तार की ज़रूरत है उतना मैं काट लेता हूँ इसमें से। एक्चुअली हम लोग शूट वगैरह पे जाते रहते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कैसे सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं और भी चीज़ें आप लोग को बताता रहूँगा कि कैसे लाइटिंग इफ़ेक्ट होता है, कैसे और चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने ये तार को लपेट लिया कायदे से, वो हल्का सा भी तार जो होगा वो आपका काम कर जाएगा। तो ये आपका एक डंडा बन गया जिसमें ऊपर नायलॉन का मोज़ा है, सॉक्स है, और ये काफ़ी मोटा हो गया है। अब जो हमारे पास मिथेनॉल है जिसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, उसको हम एक बॉटल में ले लेते हैं। ये एक स्प्रे बॉटल है बेसिकली, इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो फिर वो आपका मिक्सचर सही तरीके से नहीं बनेगा। ये मिथेनॉल हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, मेडिकल स्टोर वगैरह पे आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, ये लैब में मिल जाता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे मिल जाता है, कॉलेजेस वगैरह के लैब है वहाँ मिल जाता है। और इसमें डाल दीजिए इसको, क्या रेट हैं इसके, क्या चार्जेस वगैरह हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कि मिथेनॉल वगैरह क्या रेट का मिल जाता है। ये एल्कोहल वाला एल्कोहल नहीं होता है जो अमूमन लिकर वगैरह में पाया जाता है, शराब में वो नहीं होता है। अच्छे से जब आपने इसको कर दिया, देखिएगा कि कहीं आपके हाथ के ऊपर ये ना हो। ये लाइटर है, ये मशाल आपकी जल गई, अभी नहीं दिख रही होगी, दिख रही है इसमें। और ये अब ये जितनी भी हवा चलेगी, इस वक्त काफी हवा चल रही है, देखिए अब सामान सारा गिर रहा है, लेकिन ये बुझेगी नहीं। और मैं आपको थोड़ा सा अंधेरे की तरफ लेके चलता हूँ तो आपको ये मशाल का आपको फ्लेम दिखाई देगा, दिख रहा है? और जैसे जैसे ये जलता चला जाएगा वैसे वैसे ये और अच्छे से आपको दिखाई देगा, फ्लेम ये अच्छे से दिखाई शायद आपको नहीं दे रही है। अब
कितना भी आप इसको हिलाइए डुलाइए, ये नहीं जाएगा, ये फ्लेम इसकी नहीं जाएगी। एक बार जल गई तो जल गई है। देखिए अभी मशाल है ये, आप कम से कम ये आधे घंटा आपका जलेगा भी। फिर इस पर ज़रा सा भी कम हो तो थोड़ा सा आप और डाल दीजिए। मिट्टी का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर आप, और कितना भी हिलाइए ये बुझेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आपने मोटा इसके ऊपर सॉक्स लगाया है तो ये देर तक जलेगा, और इसके जो कपड़े टूट के नहीं गिरेंगे, यानी कि आपकी मशाल है वो जो जलती ही रहेगी। अब आप ये देखिए कि कितनी भी इसमें हवा चले कुछ भी हो ये बुझेगा नहीं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे बुझेगा नहीं। तो ये कमाल है एल्कोहल स्प्रेड का। आप मेरी शक्ल भी देख पा रहे होंगे, कितना भी आप इसको हवा चले ये बुझेगी। जब मैं कभी किसी खजाने की तलाश में जाऊंगा तो मैं ये बुझेगी नहीं। तो ये मेरा एपिसोड है, मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। रोशनी काफ़ी ज़्यादा है, बात काफ़ी ज़्यादा है, और ताकि मैं आपके पास और ऐसे एपिसोड लेके आता रहूँ। मेरे इस एपिसोड को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो गन शॉट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने गोली मारी, उसमें से जो एक लाइट निकलती है, एक रोशनी निकलती है जब गन फायर होता है, तो वो कैसे निकलती है, किस तरीके से होती है, इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड बना रहा हूँ। अभी एपिसोड बन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।